जी बेटे, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? दोनों वाला तो हो गया। अच्छा नाइन वाला हो गया, वंडरफुल। चलो देखो, सब बच्चे देखो जरा ध्यान से। सेम क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया था, एक बार मेरे साथ भी देख लो। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, पहले समझ लीजिए। Q 01 है बेटे, 01 इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही है कि इक्वल डिस्टेंस पे किस किस से, P 5-3 से बच्चे, और R x6 से। तो ये गिवन है कि QP इज इक्वल्स टू QR, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमसे वैल्यू है x4, ये डिस्टेंस इक्वल है ये। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। हमारे पास क्या है, हमें इतना ही लिखना है बस कि भाई QP इज इक्वल्स टू QR। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, तो अच्छा है आप यही कर लें कि भाई QP स्क्वायर, या यहाँ यहाँ लिख लेते हैं कि वहां स्क्वायर लिखने से अच्छा है यही हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं कि सर QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ये हम कर देते हैं। तो QP स्क्वायर क्या होगा भाई, 5, भाई मुझे गर्म पानी, बहुत गिलास कम करना थोड़ा सा। 5-0 का स्क्वायर प्लस -3-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम करेंगे x-0 का स्क्वायर प्लस 6-1 का स्क्वायर। क्योंकि आप स्क्वायर कर चुके इसलिए अब अंडर रूट नहीं आएगा, तो स्क्वायरिंग वहां लिखने से अच्छा यही लिख दी। अब जरा बताइए, 5 का स्क्वायर 25, -3-1 4, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर 6-1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू +-4। ध्यान से देख लीजिए, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो ये हमारा आंसर है, यही आया था बेटे आपका आंसर। यस सर, गुड। यस सर। तो पहला क्वेश्चन तो ये था इतना इजी। दूसरा देख लीजिए अब क्या था दूसरे में, थोड़ा सा उसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो दोनों देख लीजिए। वंडरफुल, सिंपलेस्ट चैप्टर जैसे कहना चाहिए, इजीएस्ट। हमारा एक पार्ट हो गया, एक पार्ट और रह गया। एरिया, तीन एक्सरसाइज है, एक एरिया वाला उसने और इस बार एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने हटा दिया है, तो आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और रेशो वाला पार्ट करना है। ये हमारे पास है, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रिलेशन निकालिए एक्स वाई का। एक्स और वाई नहीं निकाल सकते, ध्यान से कभी को सोचो कि एक्स भी निकालो वाई भी, नहीं। एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन क्या होता है, दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट। अगेन इसका नाम रख लेते हैं ए, और इसको कह दिया हमने एक्स वाई, और आपसे क्या कह रहा है, इज इक्विडिस्टेंट, तो इसका नाम रख लेते हैं बी, इसे कह रहे हैं 3-6, और सर इसे कहते हैं सी, इसका नाम लिख रहे हैं -3-4, और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सर ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगेन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, स्क्वायर कर लो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा 3-x का स्क्वायर 6-y का स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा सर, -3-x का स्क्वायर 4-y का स्क्वायर। सब बच्चे बताओ, इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जी बेटे, ए बी, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए बी क्या होगा, x2-x1। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए, x2-x1 ये मैंने लिखा है बेटे 3-x का स्क्वायर, y2-y1 6-y का स्क्वायर। समझ में आया कुछ या नहीं आया? यस सर। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं बेटे, हम कह रहे हैं AC, तो जब हम AC की बात करेंगे बच्चे, तो A हमारा ये है और C हमारा ये है, ये C है हमारा। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे x2-x1, तो x2-x1 -3-x, एंड y2-y1 4-y। अब देखो समझ में आया फॉर्मूला रखना, ठीक है? अब इनकी वैल्यू रख दो, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y -3-x, ठीक है, आप चाहेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तब प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये हो जाएगा 16
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई, ये हमारे पास होगा। तो जरा सॉल्व कर दीजिए इनको कि भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास, और आगे हमारे पास नाइन से नाइन कैंसिल, तो आपके पास सिक्स एक्स इधर आएगा। तो ये माइनस का सिक्स एक्स है, ये सिक्स एक्स पे माइनस माइनस ट्वेल्व एक्स, और एट वाई इधर आएगा, माइनस का ट्वेल्व पहले से है तो माइनस ट्वेल्व प्लस एट माइनस के फोर वाई, और आपके पास इधर रह गया सर 16, और इधर से आएगा 36, तो 16 माइनस 36 माइनस 20 ऐसे आए। तो अब अगर आप इसमें से माइनस 4 डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन आएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ये हमारी इक्वेशन आई। देखो सब बच्चों को समझ में आया क्या? हाँ भाई, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, माइनस कॉमन ले लिया तो सारे प्लस के हो गए, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी बेटे। और कम से कम दो तीन मर्तबा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं? यस सर। यस सर। ये एक्सरसाइज आप करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, अभी इसमें से एक पार्ट रह गया है, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आप लोग करेंगे। एक्चुअली क्या होगा, तीन चीजें रह गई। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, आप अगर इतना भी कर लेंगे तो भी अच्छा लगेगा मुझे, जितना मैंने करा दिया, अदरवाइज आप ट्राई करना चाहें। हमारे पास क्या होगा, तीन पॉइंट दिए होंगे ए बी सी, और आपसे कहेगा शो करो ये कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, सपोज करो तो 3 यूनिट्स आ गया, हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सपोज करो 5 यूनिट आ गया, फिर हम ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सपोज करो 8 यूनिट आ गया। तो अगर 3 प्लस 5 8 हो रहा है तो ये कोलिनियर है। अच्छा, पहला टाइप तो ये होगा। दूसरा होगा, नहीं सर तीन पॉइंट दिए हुए हैं, अलग अलग हैं, तो आपसे कह रहा है टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ। तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, हम ए सी डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों अलग तो स्केलिन, ठीक है सर, दो एक से तो आइसोसेलेस, तीनों एक से तो इक्विलेटरल, समझ में आ गया। और अगर पाइथागोरस यूज हो रही है तो राइट ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल। और फिर आपके पास होगा कि नहीं सर हमारे पास तो क्या है, चार पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपसे कहेगा बताओ सर ये पैरेललोग्राम है, सर ये रेक्टेंगल है, सर ये रोम्बस है, या सर ये स्क्वायर है। तो ये तीन पार्ट और रह गए हैं डिस्टेंस के बेस पे ही, कल इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। तो जो आज मैंने कराया अगर बेटे आप इतना ही कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत हेल्प हो जाएगी, कोशिश कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, ऑल द बेस्ट।